Students, hope you all are safe at your home. Today we are going to study a very adventurous topic, a very new topic to you, which you will enjoy a lot. That is wild animals. Most of you have kept some pets like dog, cat, small rabbits at your home as pet. These small animals give a lots of joy and cheer us at our home. Some animals are small, some animals are very big, and we can say those are wild or pet. हम लोग घरों में अपने साथ छोटे छोटे जानवर अपने घरों में रखते हैं, बच्चे उनसे खेलते हैं, उनके साथ अपने समय को स्पेंड करते हैं, इसलिए वो हमारे साथ पेट एनिमल्स हम लोग उसको कहते हैं। घरों में हम इन जानवरों के साथ समय बिताते हैं, काफ़ी ये हमें जॉयफुल मोमेंट्स देते हैं, इसलिए पेट्स एनिमल को हम लोग घर में रखते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग जंगलों में देखते हैं। ये इसकी अपनी काम होती है। जैसे पेट एनिमल्स हम लोग अपने घरों में रखते हैं लाइक डॉग्स। डॉग्स को हम लोग रखते हैं क्यों? वो हमारे घर की रखवाली करते हैं। और छोटे जानवर जैसे रैबिट्स हो गए, छोटे रैट्स हो जाते हैं, जिसे हम लोग बिलायती चूहा कहते हैं ना, ये सारे जानवर्स को हम घरों में रखते हैं। बच्चे इसे देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। But today, wait. So these all animals make us happy and they are very friendly with us. Okay. But today we are going to study about those animals which we cannot see at our homes. हमारे घरों में नहीं रहते हैं। They are very big and we call them as wild animals. So today we are going to study about wild animals, their behaviors, where they live, all that in this chapter, in this unit 4. So I think you all have seen wild animals in zoo or somewhere else. You have learned, you have heard from your parents. Okay, so here you can see some of the animals. This is tiger, this is lion, this is leopard, this is jackal, this is deer, this is reindeer, giraffe, kangaroo, rhinoceros, fox, wolf, zebra, hippopotamus and the bear. These all animals are big. So these are the animals which are big in size and we don't find it at our homes or our neighbors. So these are the wild animals. Now we are moving on the topic that where they live. So first of all, we are going to study about the animals in the jungle. So most of the wild animals, we find it in the jungle. That's why they are called as wild animals. What are their characteristics? उनकी quality क्या होते हैं? कैसे हम देखते हैं उन्हें कि वो जंगल में रहते हैं तो वो कैसे बिहेवियर करते हैं, क्या वो करते हैं, क्या उनकी खासियत होती है? तो फर्स्ट वन, द फर्स्ट टॉपिक इज दे लुक आफ्टर देमसेल्फ। सबसे पहले उनकी क्वालिटी क्या होती है ना कि वो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। वो दे फाइंड देयर ओन फूड, वो अपने खाने को खुद सर्च करते हैं। जो हमारी पेट एनिमल्स होती है ना, जो हमारे घर में होती है, उसकी देखभाल हम लोग करते हैं, उसे खाना हम लोग प्रदान करते हैं।
सो दे डिपेंड टोटली अपॉन देयर ओनर, अपने मालिक पे जो उन्हें देख रेख करता है, उन पर वो आश्रित रहते हैं, इसलिए वो पेट होते हैं। बट यहाँ जो वाइल्ड है ये अपने आप की रक्षा स्वयं करते हैं। दे ऑलवेज रोम हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, बड़ी बड़ी जंगलों में, घनी जंगलों में ये घूमते हैं, और कभी छोटे जानवर को अगर बड़ी जानवर दिख जाती है तो छोटे जानवर अपने आप को छिपा लेते हैं, वो अपने आप को बड़े जानवर से सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से अपनी रक्षा को स्वयं किए, अपनी खाना को, अपनी भोजन जो है वो स्वयं देखते हैं। दे फाइंड देयर ओन फूड। थर्ड, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। उसमें से कुछ जानवर को हम देखते हैं तो कुछ बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो छोटे जानवर होंगे वो हमारे घर में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस, इसमें हमने देखा कि दिस इज फॉक्स, लोमड़ी है ना, ये वुल्फ है। दे आर हैविंग द सेम साइज एंड स्ट्रक्चर लाइक अ डॉग। ये हमारे थोड़े बड़े कुत्ते जो जर्मन शेफर्ड जैसे हम लोग घर में रखते हैं ना, तो जितनी बड़ी साइज की जर्मन शेफर्ड होती है उतनी ही बड़ी साइज की ये वुल्फ फॉक्सेस भी होते हैं। ये डियर भी कुछ उसी साइज के होते हैं, बट ये वाइल्ड है क्योंकि इनके बिहेवियर अलग होती हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिग एनिमल्स हैं, जो बड़े जानवर हैं, वही वाइल्ड होंगे, जो छोटे होंगे वो वाइल्ड नहीं होंगे। बोथ बिग एंड स्मॉल, स्मॉल बोथ आर वाइल्ड। छोटे जानवर भी वाइल्ड होते हैं, बड़े जानवर भी वाइल्ड होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड इट इन द जंगल। बट इफ यू वांट टू सी दोज वाइल्ड एनिमल्स, आप अगर उन वाइल्ड एनिमल्स को अगर देखना चाहें तो जरूरी नहीं कि हमें जंगल जाना पड़े। जंगल जाना तो खतरे से खाली नहीं है ना। कैसे ऐसे होगी कि मैं जंगल चला गया, इट्स वेरी डेंजरस टू गो देयर। तो हमें अगर उन्हें देखना है तो वी कैन सी इन देम इन द जू, दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द जू। जू क्या होती है? चिड़ियाघर होती है। हमको लगता है आप सभी लोग चिड़ियाघर जरूर कहीं ना कहीं गए होंगे। वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ हमें सभी तरह की जानवर मिलती है। पेट एनिमल्स मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, सारे जानवर मिलते हैं, सारे जानवर को हम देखते हैं। तो अगर हमें जानवर को देखना है तो हमें जू अगर चले जाए तो वहाँ पे हम जंगली जानवर, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स, उनको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे जंगलों में रहते हैं और वो कैसे अपनी गुजारा खुद से करते हैं। थैंक यू।